सलाम, आदाब, नमस्कार। किचन I-92 में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन मसाला। हाय दोस्तों, मैंने लिए हैं देसी बैंगन जो मेरे घर पे लगे हुए थे और बहुत ही अच्छे हैं। अपने घर पे लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बैंगन कैसे बनाते हैं। और बैंगन के लिए मैंने लिया 2 लौंग, छोटी दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा जीरा, थोड़ा नमक, स्वाद अनुसार नमक लेंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। दोस्तों, 2 प्याज लेंगे मीडियम साइज के और 1 टमाटर लेंगे और 1 हरी मिर्च लेंगे। इसके साथ 8-10 कलियां लहसुन की और आधी इंच का टुकड़ा। तो फिर चलिए दोस्तों, प्याज काट लेता हूँ और लहसुन भी थोड़ा कूट लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये बैंगन मैंने पानी में भिगो के रखा है, प्याज मैंने काट लिए हैं, टमाटर भी काट लिया है, हरी मिर्च भी मैंने बारीक काट लिया है और लहसुन और अदरक को कूट लिया है। सारी चीज़ें रेडी है दोस्तों, अब हम बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगता है, आप ज़रूर घर पे ट्राई करना। बाज़ार में बहुत मिलते हैं लेकिन घर का जो स्वाद होता है वो अलग ही होता है। तो दोस्तों, अब हम लेंगे 5 टीस्पून तेल के, दोस्तों ज़रूर ट्राई करना। और ये देसी बैंगन है जो मैंने घर पे लगाए हैं खुद। तेल मैंने डाल दिया है, गर्म होने पे आ रहा है। खुशबू के लिए हम 2 लौंग और 2 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। ये सिर्फ खुशबू के लिए डाल रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर देगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा लौंग, और दालचीनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तेल अच्छा गर्म हो चुका है वैसे, अब जीरा डाल देता हूँ। दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से बना रहा हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना मुझे आपको कैसा लगा। अभी हरी मिर्च फ्राई करना है, ये मैं हरी मिर्च डाल देता हूँ। बहुत इजी है, आप प्लीज़ ट्राई करके बताना मुझे। वैसे सिंपल ऐसे ही बनता है लेकिन मैं थोड़े दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। और प्याज डाल देता हूँ और इसमें लौंग की और दालचीनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बहुत बहुत ही स्पेशल फ्लेवर आएगा। और जो फिर घर का देसी बैंगन हो, ये कांटे वाला बैंगन है, छोटे वाला, इसको हम पूरा नहीं काटेंगे, सिर्फ इसमें कट मारेंगे और फिर इसको मसाले में फ्राई करेंगे, भुंदाई करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा। प्याज को ब्राउन होने देते हैं थोड़ा, और हल्का सा ब्राउन हो चुका है वैसे। अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं, टमाटर को हल्का फ्राई कर लेते हैं। टमाटर को हल्का ही फ्राई करना है अपने को, और जैसे हल्का फ्राई हो जाता है फिर हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन। अब इधर थोड़ा है, बाकी है, थोड़ा और फ्राई कर लेते हैं। अब चलो हम डाल देते हैं लहसुन इसमें, जो मैंने पहले से कूट कर रख लिया है, लहसुन और अदरक। लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे इसके साथ, प्याज को पूरा ब्राउन नहीं करना है अपने को, थोड़ा कच्चे रखने हल्के। और लहसुन भी डाल दिया, अब मैं सारे मसाले डाल देता हूँ, नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया, चारों एक ही साथ डाल देता हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अब थोड़ा पानी ऐड कर देता हूँ ताकि मसाला पक जाए, थोड़ा पानी ऐड करना है और मसाला अच्छी तरह से भून के तैयार करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट में मसाला तैयार हो जाएगा, तब तक मैं बैंगन काट लेता हूँ। दोस्तों देखो, इस तरह बैंगन काटना है, एक एक बैंगन में 4 कट लगाने हैं और छोटे छोटे बैंगन हैं जिसमें कांटे होते हैं। मैंने कांटे पहले से निकाल के अच्छे साफ पानी से धो लिए हैं और अब इसमें 4 कट लगाने हैं। दोस्तों, बैंगन में हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप बैंगन बनाओ
तब मसाला तैयार होने के बाद में ही कट लगाए, वरना काले पड़ जाएंगे। तो इसलिए जहाँ तक हो वहाँ कट लगा के ही डाले इसको। तो ये दोस्तों सारे बैंगन तैयार हैं और मसाला भी मेरा लगभग तैयार हो चुका है और मसाला भी तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे बैंगन, लगभग तैयार है मसाला। अब बैंगन डाल देते हैं। दोस्तों मैंने साबुत ही बनाया कट लगा के, इस बैंगन मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही अच्छा। आप ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगे। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद भी आएगी, बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगेगा आपको। थोड़ी धीमी आंच कर देता हूँ और इसको 5 मिनट के लिए पकने देता हूँ। दोस्तों 5 मिनट मेरे हो गए हैं और अब मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप भी ट्राई करना और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों मेरा चैनल नया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे वीडियो में जो कमी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस वीडियो में आगे से सुधार करूँगा। और प्लीज़ दोस्तों ये मैंने बैंगन मसाला बनाया है, आप ज़रूर ट्राई करना आपको कैसा लगे। और बैंगन मसाले को अगर हम पराठे के साथ खाएंगे तो और भी बहुत मज़ा आएगा। वैसे नॉर्मली रोटी के साथ खा लेते और खाएंगे भी रोटी के साथ ही। तो देखिए दोस्तों कैसा लगा आप मुझे ज़रूर वीडियो में बताइएगा। और प्लीज़ फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक यू।